कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। आज है फर्स्ट नवरात्रा, है ना मम्मी? और हिंदू धर्म के पंचांग के हिसाब से आज न्यू ईयर आज है। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। और नए साल की शुरुआत खूब अच्छे से करिए। मेरी तो बहुत अच्छे से मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी और मम्मी मुझसे पहले उठ गई थी। मुझे लगा कि सुबह हो गई है ना मम्मी? और देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी जी, मतलब बस बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। या चलो पहले पूरा मम्मी कर लें पूजा, फिर दिखाएंगे। फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर जोत वगैरह मम्मी ने लगा दी है और मैं क्या क्या लेके आई थी रतलाम से, वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी कर रही हैं तैयारी कलश स्थापना की। तो यहाँ पर जो नारियल है, पानी वाला नारियल, तो उसके ऊपर स्वास्तिक वगैरह बना के फिर उसमें रोली वगैरह लपेट के कलावा फिर उसको चावल के ढेर पे रखा जाएगा। फ्रेंड्स, तब तक मैं जाती हूँ, मम्मी अभी तैयारी कर रही हैं और फिर हम लोग जाएंगे मठिया। कैसी होती है हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखिए। और अभी मैं चलती हूँ, जो मेरी डेली की पूजा रहती है, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और बाहर भोले बाबा हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ मंदिर वगैरह सब कुछ आपको, आ जाओ। तो ये मैंने अपना दीपक वगैरह तैयार कर लिया है। हाँ, ये चैनल गेट बंद रहते हैं। देखो अगरबत्ती लगी है बंदर की वजह से। बंदर तो पूरा मत खोलो ना, इतने में निकल जाऊंगी मैं क्या इतनी मोटी हूँ कि नहीं निकल पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अपने चाचा के घर। तो ये चाचा के बाहर का एंट्री है ये, और हमारे यहाँ इसको चबूतरा कहते हैं। आंगन अंदर के घर, अंदर का जो घर खुला हुआ होता है ना, उसको आंगन कहते हैं। आंगन इसको भी कह सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसको चबूतरा कहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया। यहाँ से सूर्य भगवान दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहीं से मैं उनको जल चढ़ा देती हूँ, दीपक वगैरह दिखा देती हूँ। फिर मैं घर पर आ गई और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी अग्यारी। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी यहाँ पर घी। तो बस घी डालेंगे, इसके बाद में हवन सामग्री वगैरह, फिर माता रानी को तिलक करेंगे। क्योंकि नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं ना, तो ये अग्यारी आप ज़रूर करें। और माता रानी को लौंगे बहुत पसंद है। लौंग कपूर आरती में भी है कि लौंग कपूर माँ को बहुत पसंद है, तो लौंगे ज़रूर चढ़ाएं। आप 2 जोड़ा चढ़ा सकते हैं, 5 जोड़ा चढ़ा सकते हैं। 1 जोड़े में 2 लौंग आती हैं, तो 2, 2, 4, 5, 6 इस तरीके से आप गिन लेना, तो आप 5 जोड़े चढ़ा सकते हैं माता रानी को। बहुत अच्छा है। और इस टाइम मैं 5 आहूति लगाती हूँ माता रानी को। और जो भी माता रानी के 108 नाम हैं, उन नामों को लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती जब खरीद कर लाएंगे अपने घर में, किसी घर में अगर आपके है पहले से, तो फर्स्ट या सेकेंड पेज पर ही दुर्गा माँ के 108 नाम हैं, तो आप ज़रूर उन नामों को पढ़ें। और प्यार से सिर्फ माँ ही पुकार ले माँ को, मेरी माँ मेरी माँ, तो देखना आप कुछ ना कर पाए, बस माँ ही पुकार लें तो वो बहुत है। बस दिल से होना चाहिए, बस जो चीज़ें हैं ना वो दिल से होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारी अग्यारी वगैरह हो गई थी, तो यहाँ बस हम कर रहे हैं अब आरती। आरती करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे जो हमारे गांव का मंदिर है। गांव के थोड़े से बाहर पड़ता है, तो पैदल ही जाते हैं। मठिया है, बहुत सुंदर है और काफ़ी, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मम्मी भी कहती है सालों पुरानी है, 100 साल पुरानी वहाँ पे देवी माँ है। हमारी पूजा वगैरह हो गई है, आरती वगैरह, अब हम लोग जा रहे हैं मठिया पर। सब लोग चलोगे? चलो। तो ये हमारा जल का लोटा तैयार कर लिया है। यहाँ मठिया है, थोड़ा सा दूर है, और मम्मी भी मेरी तैयार है। इस तरीके से ओढ़नी ओढ़ी जाती है दुपट्टा आज भी गांव में। मामा अब कपड़े बदल लूं क्या? मेरा जल का लोटा और ये रहा मठिया का रास्ता माता रानी का। तो बड़ा अच्छा लगता है। 9 दिन यहाँ पर खूब भीड़ रहती है, सब लोग आते हैं गांव के, सब जल चढ़ाने के लिए। नायशा नानी का हाथ पकड़ लो, इधर कुआं है एक, चल।
तो यहाँ पर ना ये जो माली लोग हैं ना, तो उनकी ये ज़मीन है, तो उन्हीं के ये सारे पौधे वगैरह लगे हुए यहाँ पर। और वही लोग डेली ये मतलब फूलों की माला वगैरह देकर जाते हैं, और ये सारे चांदनी के फूल पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। अरे बाप रे, नीचे से झुक के निकले, ये रास्ता है। चलो, ये रहा मंदिर माता रानी का। तो बस यहाँ पर हम लोग जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद में जो हम लेकर आते हैं मीठा बतासा वगैरह, उसका भोग लगाते हैं। और यहाँ पे देवी माँ की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये अभी रखी गई है 3-4 साल पहले। और इसके बराबर में जो बहुत बड़ा सा एक पत्थर है, मतलब माता रानी का ही रूप है वो, तो वो बहुत पुरानी है। मतलब मम्मी को भी नहीं पता है मतलब वो जब शादी होकर आई थी ना, उससे पहले का है ये। तो वो माता का रूप है, जगदम्बे माता का। तो वहीं उन्हीं पे जल वगैरह चढ़ाया जाता है। ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि लोग वो देवी माँ की जो प्रतिमा बनी है ना, उन पे भी जल चढ़ा देते हैं, पूरा गीला कर देते हैं। तो इसलिए उन ताला लगा दिया है कि लोग अंदर जल ना चढ़ा पाएँ, बाहर ही चढ़ाएँ। तो हम लोग ना जल वगैरह चढ़ा के फिर आ गई थी मैं घर पर। और घर आने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहलाया यहाँ पर। नायशा तो बिना नहाई चली गई थी साथ में, क्योंकि जिस टाइम हम लोग जा रहे थे ना, तो उस टाइम नायशा सोकर उठी थी, तो फिर नहला नहीं पाई थी। तो यहाँ पर नायशा को नहलाकर बढ़िया तैयार मैं कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इनको दूध वगैरह दूंगी। और अनिक अभी नहा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को बना दी है मैगी, दूध भी इन्हें पी लिया है, और यहाँ बैठ के ये देख रहे हैं अपनी टीवी। मम्मी कर रही हैं इधर अपना पाठ, मम्मी को लगेगा अभी बहुत टाइम। तो मैं सोच रही हूँ तब तक ये जो कपड़े इनको तय बना लेती हूँ। बच्चे भी अपनी मैगी खा रहे हैं। मैंने ये कुछ कपड़े थे ये नहाने के बाद तुरंत ही मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो यहाँ टाइम उसका हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये कपड़े भी डाल देती हूँ, पूरे ड्रायर हो चुके हैं, तो चलते हैं बाहर। फ्री हुई हूँ, कपड़े वगैरह डाले आई बाहर, और मम्मी मेरे लिए फ्रूट वगैरह देकर गई हैं कि खा लो, फिर उसके बाद मैं साबुदाने खिचड़ी बनाऊंगी। आज तो मम्मी बनाएंगी, नहीं तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करती थी। और मुझे ना कल भी कमेंट आया था, परसों वाले दिन भी कमेंट आया था कि प्लीज़ मुझे बताइए कि जो शादी वाला उपाय है वो बताइए। वो मम्मी को पता है मुझे, और बाहर ना आज छत पड़ रही, तो जिसकी वजह से बहुत आवाज़ आ रही, तो मैं अंदर आके बैठ गई। मम्मी बुलाओ, नानी को बुलाओ, नानी मम्मा। तो फ्रेंड्स मम्मी नहीं आ रही है इधर, तो मैं बता देती हूँ। मम्मी ने सारी बता दी किस तरीके से करना है आपको डेली। पार्वती शादी वाला उपाय है, जिसकी शादी जल्दी नहीं हो रही है उनके लिए है ये वाला उपाय, वो लोग कर सकते हैं, और 100% इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल श्रद्धा भाव से करें, ये नहीं कि हाँ दो दिन किया फिर हाँ भाई हमको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप कर्म अपने करते जाइए। तो आपको क्या करना है, जो शुक्ल पक्ष के जो अच्छा दिन आएगा ना, शुक्ल पक्ष में जैसे सोमवार आए, कोई सा भी दिन आए, जब आपको लगे कि अच्छा हमें करना चाहिए, तो माँ पार्वती की पूजा स्टार्ट कर देना चाहिए। माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, जो भी ये आती है, महीने की एक 13 आती है,
शायद एक आती है कि दो आती है, पता नहीं मुझे। तो जो भी आती हैं उनमें ना माँ को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, उनकी आरती करें, उनका चालीसा पढ़ें और तेरस वाले दिन दोनों लोगों का गठबंधन करें, भोले बाबा पार्वती माँ का, और उन शिव चालीसा पढ़ें पार्वती माँ की। और जैसे हम डेली डेली सिर्फ माँ पार्वती की करें पूजा और बढ़िया उनकी आरती करें, चालीसा पढ़ें और भोले बाबा पे भी जल चढ़ाएं, तो इससे आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये अजमाया हुआ उपाय है, घर में खुद की मेरी सिस्टर ने किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता था, और आपको भोले बाबा जैसे पति मिल जाए। तो चलो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।